इसको ले लेते हैं। ओ भाई साहब, ये कुछ ज्यादा खतरनाक। भाई उसने वहां पे क्या किया लॉल? सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे माइनक्राफ्ट बट चैलेंज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो बेसिकली गाइस, आज अपन लोग एक ऐसी दुनिया में स्पॉन होने वाले हैं जहां पर अपन माइनक्राफ्ट के ब्लॉक खा सकते हैं लिटरली। एंड बस नहीं नहीं जैसे हम उनको खाएंगे, हमें हर अलग अलग ब्लॉक से अलग अलग टाइप का स्क्रैप मिलेगा। एंड इन स्क्रैप का यूज करके अपन अलग अलग टाइप के वेपन्स बना सकते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले। एंड इस सीरीज में हमारा गोल यही होने वाला है कि जितने भी वेपन्स है इसमें हमें सारे के सारे बनाने हैं एंड लास्ट में एंडर ड्रैगन को मार के माइनक्राफ्ट को बेट करना है। तो क्या हम हमारे गोल में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये देखते आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लीव अ लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। लेट्स बिगिन। सो ऑलराइट गाइस, अपन लोग गेम के अंदर आ चुके हैं। गेम के अंदर हमारा सबसे पहला काम होता है लकड़ी तोड़ना, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक तोड़ के रखी हुई है एंड पता नहीं कहाँ गई वो। लेट्स सी। सो इसी के साथ हमारे पास इनफ फूड आ चुका है फिलहाल के लिए। फटाफट अपने लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं एंड साथ ही में कुछ स्टिक्स भी बना लेते हैं लाइक दैट। एंड जल्दी से एक पिकेक्स क्राफ्ट कर लेते हैं। एंड यहीं पे मुझे कहीं पे पत्थर दिख रहे हैं, हाँ ये रहे पत्थर। तो फटाफट यहाँ से काफी सारे पत्थर भी तोड़ लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा सा कोल भी है, कोल भी ले लेते हैं अपुन, बिकॉज अपुन को आयरन को स्मेल्ट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, फिलहाल के लिए इनफ कोबल स्टोन आ चुके अपने पास। फटाफट अपने टूल्स वगैरह को अपग्रेड कर लेते हैं। तो ये बन गए अपनी स्टोन की पिकेक्स एंड एक एक्स भी बना लेते हैं कुछ देर के लिए, बिकॉज मैं स्वॉर्ड का यूज नहीं करता, मुझे एक्स से ज्यादा पसंद है। मॉब वगैरह को मारने के लिए मैं एक्स का यूज करता हूँ। सो ऑलराइट, चलो फिलहाल हमारे पास इनफ फूड वगैरह आ चुका है, चलते हैं फटाफट आयरन ढूंढने के लिए, बिकॉज हमारा सबसे पहला वेपन जो है वो बेसिकली वेपन तो नहीं है लेकिन दिखने में वेपन जैसा लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको बनाने के लिए हमें आयरन लगने वाला है थोड़ा बहुत। तो चलते फटाफट आयरन ढूंढने के लिए। मुझे सामने एक केव दिख रही है, लेट्स गो। मुझे लगा वो मेरे पीछे पड़ गया, फालतू तो मैं अपनी जान गवा देता। ओके, मेरे पास थोड़ा सा कोल भी है ना, तो मैं जल्दी से अपने लिए थोड़ी सी टॉर्चेस बना लेता हूँ ताकि केव में हमें दिखाई दे अच्छे से। आउच, खाना है मेरे पास, खाना भी बहुत कम है मेरे पास, ज़ॉम्बी भी आ रहा है। रॉटन फ्लैश दे दियो ब्रदर, प्लीज ब्रदर, मैं जल गया ब्रदर। और एक ब्रदर आ रहा है, तुम जाओ ना यार, काम करने दो ना तुम्हारे ऐसे के तैसे। मेरे पास है भी नहीं कुछ, फिर भी आ रहे मेरे को मारने। क्रीपर, क्रीपर वो दिन गए जब मैं तेरे हाथ से मरता था। अभी तो मेरे को डर भी नहीं लगता क्रीपर से। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। ओए कितने क्रीपर है यहाँ पे, फट जा फट जा फट जा फट जा फट जा वहां पर। मुझे खाना लाना पड़ेगा भाई नीचे केव में जाने से पहले। चलो गाइस, इसके साथ हमारा खाना रेडी हो चुका है, अभी अपन केव की तरफ जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। लेट्स गो, अभी चलते फटाफट केव के अंदर। अबे गाइस, हमें जरूरत है काफी सारे आयरन की। ओके 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 ओके, स्केलेटन पीछे पड़ रहे, यहाँ पे स्केलेटन है काफी सारे। उब्बे, इसकी टांग में ऊपर से सीधा नीचे गिर गया। ओके, यहाँ पे हमें उतरते आयरन मिल चुका है। आई होप भाई बहुत सारा आयरन हो, मजा आ जाएगा फिर। कितना आयरन मिला है हमें, 8 आयरन मिला है। ओके, मैं फटाफट इसको हटाता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रख लेता हूँ। दो फर्नेस बना लेते हैं, एक फर्नेस में हम डाल देते हैं कुछ कोबाल स्टोन, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, मे बी चलो इतने रख देते हैं। एंड इसमें डाल देता हूँ मैं हमारे आयरन इंगेट, और बाकी यहाँ पे और भी आयरन दिख रहा है मेरे को, इसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, बिकॉज आयरन हमें काफी सारा लगने वाला है। झोंबी, झोंबी की आवाज आ रही है मेरे को पास में से। अरे तुम आपस में लड़ो यार। ओके ओके ओके, हाँ जा जा, लड़ो 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 आपस में। नाइस नाइस, मैं बच गया भाई, 3 हार्ट पे बच गया मैं। 8 आयरन बन चुके हमारे। तो चलो फटाफट अपन अपना सबसे पहला वाला जो वेपन है वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक चेन, ये रहे अपनी चेन। तो इस चेन को हम रखेंगे यहाँ पे, 2 आयरन नगेट को रखेंगे यहाँ पे एंड 3 आयरन एंगेट को रखेंगे, क्या हरकत कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे। एंड इसी के साथ गाइस, हमारा फर्स्ट वेपन बन के पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, जो कि मेरे हाथ में आ चुका है एंड एकदम त्रिशूल जैसा लग रहा है, लेकिन ये त्रिशूल से भी ज्यादा खतरनाक है।
ओके से आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा हमारा स्टोन, इसको हमने मारा, ये टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। एंड गाइज अभी ये जो जो स्टोन टूट के हमारे पास आ रहे हैं, रुको कहाँ गए, ये रहे इन्वेंटरी में, एलिजिबल स्टोन नाम है इनका। तो बेसिकली गाइज इन स्टोन को हम खा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, एंड इनको खाने से मुझे काफी ओपी ओपी इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। एंड जैसे जैसे गाइज अपन इनको खाएंगे, हमें इनमें से मिलेगा स्क्रैप, हमें जरूरत है काफी सारे स्क्रैप्स की। ऑलराइट हमारे पास इनफ स्क्रैप आ चुका है, एंड अभी हमारे जो स्टोन है वो भी स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट हो ही रहे हैं। आई होप हमारे लिए ना इतने मतलब इनफ हो, चलो फिलहाल इतने काफी हमारे हमारे लिए, हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो बनाने के लिए। एंड हमें एक क्राफ्टिंग टेबल की भी जरूरत पड़ने वाली है, इसको मैं फेंक ही देता हूँ ना यार, इसको मैं खीवी रखो इसको डाल देता हूँ मैं इसमें, अपना आयन ले लेता हूँ मैं। ओके तो हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो बनाने के लिए अपन को सिंपली यहाँ पे बीच में रखना है क्राफ्टिंग टेबल, एंड ये जो स्मूथ स्टोन बना रखे ये हमें ऐसे हर साइड से लगा देने। एंड गाइस इसी के साथ हमारी नेक्स्ट रेसिपी तैयार है जो कि है ब्लॉक क्राफ्टर, एंड ये काफी ज्यादा ओपी है, आप देख ही सकते हो इसमें अपन काफी खतरनाक खतरनाक चीजें बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे ब्लॉक क्राफ्टर से जो हमें स्टोन स्क्रैप मिला है इसकी मदद से अपन लोग क्या बना, कुछ तो बना, ओ हाँ ये रहा, ये बन चुका है गाइस। तो इसको हम कहीं पे भी फेंक के मार सकते हैं, एंड मे बी ये एंटिटी को फेंक के मारेंगे, हमें किसी जॉम्बी वगैरह को ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर अपन ये फेंक के मारेंगे। चलो और फटाफट रेडस्टोन ढूंढने के लिए निकल चलते हैं। ओके गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली, हमें जरूरत पड़ने वाली है रेडस्टोन की, एंड लावा भी, यहाँ पे मैंने कहीं पे लावा भी देखा था। अरे यार इतना रेडस्टोन मिला सिर्फ, इतने में क्या ही होगा। अबे भाई तू जा रहे, मेरे से पंगे ना ले तू, आई एम द ओवर पावर्ड इंसान नाउ। दो शॉट में खत्म है भाई, कोई भी मॉब आने दो शॉट में खत्म। यहाँ पे लावा दिख रहा है मेरे को, लावा का अपन ब्लॉक बना सकते हैं। ये देखो ये लावा का ब्लॉक आ गया अपने पास। ओके हमें और एक ब्लॉक लगेगा लावा का, जो कि मुझे वहां पे दिख रहा है। ओके लावा का ब्लॉक हमारे पास आ चुका है, अभी फटाफट गाइस इसको खाते हैं, एंड देखते हमारे पास इस बार क्या आने वाला है। तो ये रहा हमने इसको खाया, एंड हमें मिल चुका है फायर रेजिस्टेंस, रिजनरेशन के साथ साथ, एंड हमारे पास आ चुका है लावा स्क्रैप। ओके एंड इसी के साथ गाइस हमारे पास दो लावा स्क्रैप आ चुके हैं, एंड सामने मेरे को एक रेड स्टोन भी दिखाई दे रहा है, ये रहा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत सारे रेडस्टोन चाहिए यार। ऑलराइट उस साइड के लिए मेरे को और भी रेडस्टोन दिखाई दे रहे हैं, 36 रेडस्टोन एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। तो फटाफट यहाँ पर एक रेडस्टोन ब्लॉक लगा ये लगा देते हैं, एंड इनको कन्वर्ट कर देते हैं रेडस्टोन ब्लॉक में, एंड यहाँ पे ऐसे दो ब्लॉक लगा देते हैं इनको खाने के ब्लॉक में। मेरे टॉर्चेस यार, टॉर्चेस पता नहीं कहाँ जाती है बार बार। यहाँ पे एक टॉर्च लगा देता हूँ मैं हमारे खाने के, हाँ ये रे एलिजिबल रेडस्टोन ब्लॉक, फटाफट इनको ठूसते हैं, देखते हैं इनमें से हमें क्या मिलेगा। ओके दोनों खा लिए हमने, पोशन रिजनरेशन वही मिला है, लेकिन हमें रेडस्टोन का स्क्रैप मिल चुका है। काफी सारे रेडस्टोन आ चुके हैं हमारे पास, हमें इतने सारे रेडस्टोन की जरूरत भी नहीं थी। तो फटाफट अपने लिए एक लीवर बना देते हैं। अभी बारी आता है अपनी ब्लॉक क्राफ्टर को नीचे रखने की। तो ये रहा अपना ब्लॉक क्राफ्टर, इसमें अपन सिंपली ऊपर डालेंगे तीन अपने रेडस्टोन स्क्रैप, यहाँ पे जाएगी अपनी स्टिक, यहाँ पे जाएगा अपना लीवर, यहाँ पे जाएगा अपना रेडस्टोन का ब्लॉक, एंड यहाँ पे जाएगी अपनी एक रेडस्टोन। एंड क्राफ्ट क्यों नहीं हुआ ये, सॉरी मैंने गलत डाला है मुझे ये डालना है यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक। एंड गाइस इसी के साथ हमारी रेडस्टोन पिस्टल तैयार हो चुकी है, हमें अभी शील्ड वगैरह की जरूरत नहीं इन सब की, इन सबको मैं ऊपर रख देता हूँ। एंड गाइस ये रे अपनी पिस्टल अपने हाथ में आ चुकी, भाई ये दिखने में कितनी बड़ी दिख रही है रे, और इसको अगर मैं कहीं पे मारूं तो ओके अरे ये हमें फ्री का सामान दे रही है। ओके आयरन दे रहे, गोल्ड दे रहे काफी सारा। भाई काफी सारा, अरे डायमंड भी मिल रहे हैं इसमें से हमें, नाइस यार डायमंड भी मिल रहे गाइस हमें। चलो फिर काफी सारे डायमंड कलेक्ट कर लेते हैं। ओके ये आ गए अपने पास दो इंगेट, तो अभी फटाफट अपन यहाँ से दो ब्लॉक बना लेते हैं, एंड जल्दी से इनको यहाँ रखते हैं, एंड इनको एलिजिबल बनाते हैं, एंड लेट्स सी गाइस अभी अपन इनको खा सकते हैं। तो फटाफट इनको ठूसते हैं एंड देखते हमें क्या मिलता है। ओके हमें
इफेक्ट मिलेगा, साथ ही में दो आयन के स्क्रैप भी मिल चुके हैं। अभी बस हमें जरूरत है आयन के 5 नगेट की। यहाँ पर काफी सारे नगेट दिख रहे हैं मुझे, मैं यहाँ पर फालतू की चीजें फेंक देता हूँ। गोल्ड की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हम हमारा जो नेक्स्ट वेपन है वो बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिंपली ये दो स्क्रैप को ऐसे रखना है एंड यहाँ पे एक एंड यहाँ पे भी एक। इसी के साथ गाइस हमारा आयन का फिस्ट बन के रेडी हो चुका है, जो कि आप मेरे सामने देख ही सकते हो। तो लेट्स से फटाफट इसको उठा लेते हैं, मैं यहाँ से फेंक देता हूँ। भाई इन्वेंटरी में इतना कचरा हो चुका है, मैं क्या ही बोलूं। तो चलिए फटाफट आयन फिस्ट। ओ आयन का ब्लॉक थ्रो करता है ये, आयन का ब्लॉक फेंक के मारता है ये, पता नहीं कहाँ जाके लगता है। तो चलो इसके साथ हमारा एक और वेपन बन के रेडी हो चुका है। तो इस वेपन को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मतलब अभी हमारे पास पूरे 4 वेपन बन के रेडी हो चुके हैं। अभी हमें जरूरत है गाइस काफी सारे डायमंड की, तो यहाँ पर मैं काफी सारे डायमंड निकाल लेता हूँ फटाफट। ऑलराइट गाइस इसके साथ हमें 13 डायमंड मिल चुके हैं एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। भाई लिटरली कितने सारे रिसोर्सेस पड़े यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, एंड इन सब की तो मुझे अब जरूरत भी नहीं है। सो चलिए यार अपना फटाफट जो नेक्स्ट वेपन है वो बनाते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगी डायमंड ब्लॉक की, एंड फटाफट गाइस इसको अपन रखते हैं एंड खाने लायक इसको बनाते हैं। एंड गाइस अभी अपन इसको खा सकते हैं एंड हमें मिलेगा एक डायमंड का स्क्रैप। सीरियसली इसके बाद हमें हमारे ब्लॉक क्राफ्टर में जाना है, यहाँ पर एक स्क्रैप रख देना है एंड इसके ऐसे चारों साइड से एक एक डायमंड रख देना है एंड बीच में लगानी है स्टिक एंड बूम गाइस। इसी के साथ हमारा डायमंड का क्राफ्टर तैयार हो चुका है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा चुम्मेश्वरी लग रहा है। इसको ले लेते हैं। ओ भाई साहब ये कुछ ज्यादा खतरनाक। भाई उसने वहां पे क्या किया लॉल। ओके एक मिनट, भाई इसने यहाँ पे लिटरली डायमंड के और खाने के लिए गोल्ड और ट्राइडेंट, कितने सारे आइटम है भाई यहाँ पे। ओके मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज्यादा खतरनाक है, ये कुछ ज्यादा खतरनाक निकला। प्रोटेक्शन 2 वाली चड्डी मिल गई, चलो इसको पहन लेते हैं। एक हेलमेट भी मिला है आयरन का, पहन लेते हैं। बिकॉज गाइज हमारा जो नेक्स्ट वेपन बनने वाले जितने भी सारे के सारे हमें मिलने वाले हैं नेदर के अंदर। भाई कितना ऊपर से आ रहा है ना पानी। ओके मैं पानी लेके आ गया, फटाफट अपने डायमंड का यूज करते हैं। लेट्स से देखते हमें कोई डायमंड के पिकेक्स मिलते हैं क्या। ओके पर्ल वगैरह मिल गए हमें, डायमंड की पिकेक्स तो नहीं मिली आई थिंक। अरे सीधा ऑब्सीडियन ही मिल गए हमें, भाई डायमंड पिकेक्स का भी क्या ही करने है हमें। 7 ऑब्सीडियन मिल गए और सामने और 15 ऑब्सीडियन हो गए। नाइस ओपी। चलो यार फटाफट ना अपन को नेदर पोर्टल बनाना पड़ेगा। नेदर पोर्टल अपन कहाँ बनाए, मेरे पास ग्रेवल भी तो नहीं है ना उसको लाइट अप करने के लिए। अरे ये रे ग्रेवल तो यहीं पे मिल जाएगी। ओके फटाफट पोर्टल बना लेता हूँ मैं अपने लिए। हमें फ्लिंट मैं खुद फंस गया था भाई, मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा वरना अभी मर जाना था मुझे। क्या बेवकूफ वाली हरकतें करता हूँ मैं। ओके नेदर में आ चुके अपन, नेदर में अगर किसी में दम है तो हमें मार के दिखाओ। हाँ तू मारेगा भाई, तुम नहीं मार पाओगे भाई, तुम लोग के बस की बात नहीं है। मुझे सामने सोल सैंड दिख रही यार, एंड मुझे ना एक चीज याद आई, इससे भी अपन लोग वेपन बना सकते हैं। चलो छोड़ो हमें फटाफट ये लगा देना है, इसके बाद हमें इसमें सोल सैंड के स्क्रैप लगा देने लाइक दैट एंड दो स्टिक लेनी है, एक स्टिक ऐसे एंड ये बनेगा अपना वेपन। दिस इज सोल स्कायत, क्या बोलते हैं भाई इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको क्या करना है हमें। तोड़ने में तो नॉर्मल है, बस फेंक के मार सकते हैं अपन इसको। वो दिख रहा है मेरे को फेंक के मारने के लिए, ये दिख रहा है इसको मार सकता हूँ मैं फेंक के। अरे मर गया वो तो। ऑलराइट लेट्स गो, इसको ऊपर से तोड़ नहीं सकते अपन। चलो अभी हमें फोर्ट्रेस ढूंढनी यार फटाफट। अरे मिल गई फोर्ट्रेस, हो रही सामने लॉल भाई।